गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत सारा मज़ा आने वाला है, यानी कि बहुत अच्छा आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा और इसमें सारा सब कुछ मिलेगा जो आप इंजॉय करोगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे भंडारे के लिए जो कि प्रसाद है वो तैयार हो चुका है, मतलब तैयार हो रहा है, हो नहीं चुका है, सॉरी, गलतियाँ हो जाती हैं बोलते बोलते थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, सबसे होती है तो मेरे से भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये सारा मतलब जो सब्जियाँ हैं वो काट ली हैं और बाकी के जो धुला के भी रख ली हैं। अब इसमें पतीले में हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें हम डालेंगे जीरा और फिर धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जो मसाले हैं वो डालेंगे सारे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो भुन चुका है हमारा जीरा। यहाँ पे डाल रहे हैं धनिया पाउडर और फिर इसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे, फिर इसमें मिर्ची भी डालेंगे, जो कि जो सारे मसाले पड़ते हैं वो सारे मसाले इसमें पड़ेंगे। यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल दी है हमने। तो इस तरह से हम इसको प्रसाद को बनाएंगे। तो ये देख सकते हो पक गया। अब इसमें हमने मतलब जो अदरक है उसका मतलब उसको घिस के कद्दूकस करके उसमें तेल में भुनने के लिए डाल दिया है और डाल दी है लाल मिर्च और यहाँ पे हमने डाल दी है टमाटर। अब इसको अच्छे से पकने देंगे। ये देख सकते हो इस तरह से हम इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे इसको थोड़ी देर तक, जब तक टमाटर गल नहीं जाते तब तक। अब यहाँ पे हमने ये मूली को काट लिया था, अब इसको धो लेंगे। इसमें सारी सब्जियाँ पड़ेंगी, जैसे कि मैंने इससे पहले जो ब्लॉग आया था उसमें भी दिखाया है, पर इसमें थोड़ी ज़्यादा सब्जियाँ पड़ेंगी। और इस तरह से हम इसमें आलू, बैंगन, मूली, गाजर, मतलब सारी सब्जियाँ जो मिक्स है वो सारी इसमें डालेंगे। तो इसको अच्छे से पहले चलाएंगे। हमने यहाँ पे बैंगन और घिया वगैरह काट के डाल दिया, अब इसमें मूली भी पड़ गई है, आलू डाल रहे हैं हम इस तरह से। तो अब इसके बाद हम इसको इस तरह से मतलब चलाएंगे। यहाँ पे हमने सबसे लास्ट में सेब डाले हैं, जो फल के सेब आते हैं वो डाले हैं। देख सकते हो लगभग आधी सब्जी हमारी पक चुकी है, देख सकते हो कितना उबाल आ गया है। अब इसको एकदम कुच्चा करेंगे, जैसे मैंने अगले ब्लॉग में दिखाया था उस तरह से ही सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम छोले भी डालेंगे, उसमें हमने छोले नहीं डाले थे, इसमें हम छोले डालेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हम पकाएंगे। अब यहाँ पर पूड़ियों की तैयारी हो रही है, सब्जी हमारी तैयार हो गई है रेडी होके। तो पूड़ियों को तलेंगे। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा आरती हो चुकी है, अब इसके बाद प्रोग्राम होगा जो आप लोग एंजॉय करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे लास्ट में। Hey, hey.
अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।